हेलो दोस्तों, मेरा नाम हुआ अशरफ और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल अशरफ टेक। और आज एक नया वीडियो लेके आपका साथ में हाजिर हूँ। तो आपको ये चीज़ प्रॉब्लम आता है कभी कभी, अभी जो चल रहा है स्टेट बैंक का सर्वर बहुत ही डाउन चल रहा है और बहुत सारा बैंक का सर्वर बहुत ही डाउन चल रहा है। कभी कभी ये होता है, आपने मूव टू बैंक किया कोई भी कंपनी का आईडी लेके, चाहे स्पाइस मनी के, चाहे RNFI के, चाहे PNEARY का, चाहे कोई भी, तो क्या होता है ना, अगर बैंक का सर्वर डाउन होता है तो उसमें आपका पैसा जो है पेंडिंग में चला जाता है। पेंडिंग में चला जाता है तो आने में कम से कम एक दिन तो मिनिमम तो लग जाता है, कभी कभी तो जल्दी भी आ जाते हैं। तो उसको कैसे सॉल्यूशन किया जाए, अगर आप स्पाइस मनी आईडी लेकर काम कर रहे हो तो आपको सॉल्यूशन मैं आज पूरा बताऊँगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आप अगर हमारा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑल कर ले। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, सबसे पहले करना क्या है, आपको स्पाइस मनी पोर्टल आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में नीचे तरफ यहाँ पे आ जाना है मोर का ऑप्शन पर। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको मोर का ऑप्शन, यहाँ पे मोर का ऑप्शन पे आ जाना होगा आपका। मोर का ऑप्शन पे जैसे आ जाओगे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, सेटिंग, केयर, कॉन्टैक्ट अस और TDS लेटर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आपको चूज क्या करना है, केयर चूज करना है। केयर जो है यहाँ पे ये देख सकते हो, केयर यहाँ पे चूज करने के बाद में आपको चला जाएंगे आप उनका पेज में। तो मैं बता दूं आपको केयर सर्विस क्या है। केयर सर्विस ये होता है, आपका स्पाइस मनी में अगर जितना सारा सर्विसेज यूज होता है, अगर कुछ भी सर्विसेज में आपका प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे कंप्लेन किया जाता है। आप अगर यहाँ पे कंप्लेन करेंगे जल्द से जल्द आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। तो मैं बता दूं कैसे कंप्लेन किया जाता है, कौन सा चीज में कैसे कंप्लेन किया जाता है, मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। अच्छा से वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप मत करें। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जैसे पहले यहाँ पे कमीशन रिलेटेड मिल जाता है, वॉलेट रिलेटेड मिल जाता है, उसके बाद में ट्रांजैक्शन रिलेटेड मिल जाता है, डिवाइस रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड। यहाँ पे प्रोडक्ट रिलेटेड जानकारी भी यहाँ पे मिल जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल किया जाता है, हमारा कंपनी के यूट्यूब चैनल के द्वारा यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो नीचे तरफ यहाँ पे कैसे क्या यूज होता है, पूरा हर चीज़ दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रोडक्ट रिलेटेड में तो पूरा एकदम इशू जो भी कुछ मतलब कैसे यूज किया जाता है, कोई भी सर्विस जितना सारा सर्विस यूज होता है कैसे यूज किया जाता है उसका जानकारी ये प्रोडक्ट रिलेटेड में दिया गया है। डिवाइस रिलेटेड में क्या दिया गया है, डिवाइस रिलेटेड में ये दिया गया है, अगर आप कंपनी से कुछ भी डिवाइस परचेस किए हैं जो हमारा कंपनी का है तो उस डिवाइस में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो प्रोडक्ट अगर आपका काम नहीं कर रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम इशू हो रहा है तो यहाँ से कंप्लेन करने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है, डिवाइस रिलेटेड। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है ट्रांजेक्शन रिलेटेड, जो हमारा बहुत जरूरी होता है, मैं इसको आज पूरा अच्छा से दिखाऊंगा। जो तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिलेटेड में सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपका सामने बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे खोलकर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहला है APS ट्रांजेक्शन रिलेटेड इशू, BBPS पेमेंट इशू, यहाँ पे दूसरा जो है DMT ट्रांजेक्शन रिलेटेड इशू, उसके बाद में है DMT रॉन्ग ट्रांसफर। आपका DMT अगर रॉन्ग ट्रांसफर हो गया है तो यहाँ से कंप्लेन किया जाता है। मिनी ATM ट्रांजेक्शन रिलेटेड इशू, मिनी ATM से अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपको यहाँ पे कंप्लेन करना होता है। मूव टू बैंक के अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मूव टू बैंक मतलब सेटलमेंट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे आपको कंप्लेन किया जाता है। दूसरा है रिचार्ज से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपका तो यहाँ से कंप्लेन किया जाता है। सबके अलग अलग यहाँ पे पार्ट किया गया है, आपको हर पार्ट में अलग अलग कंप्लेन किया जाता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको APS का दिखाऊंगा, APS में कैसे आपको कंप्लेन किया जाता है। जैसे APS ट्रांजेक्शन में यहाँ पे क्लिक किए हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे यहाँ पे मेन जो ज़्यादा जो होता है कभी कभी, तो यहाँ पे अमाउंट डेबिट बट नॉट एडेड इज इन एजेंट वॉलेट, यहाँ पे ये प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है क्योंकि फेल्ड हो जाता है। कभी कभी ऐसा अगर बैंक का सर्वर इशू होता है तो यहाँ पे फेल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे अच्छा से दिया गया है आपका, अगर जैसे मान लो कस्टमर का अकाउंट से पैसा कट गया है लेकिन आपका एजेंट वॉलेट पर पैसा ऐड नहीं हुआ है, उस टाइम पे क्या करना है आपको, उस टाइम पे आपको करना क्या है, यहाँ से जाना है और आप जितना सारा APS ट्रांजेक्शन किए हैं पूरा ट्रांजेक्शन आपका सामने दिखाई देगा, जितना सारा ट्रांजेक्शन किया है उसका स्टेटस क्या है, उसका ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, कितना पैसा ट्रांजेक्शन किए है, उसका RR नंबर क्या है, पूरा चीज़ दिया गया है यहाँ पे। आप यहाँ से डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हो, मान लो ये वाला फेल ट्रांजेक्शन मेरा हुआ है, इसको कैसे कंप्लेन करेंगे, यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है, हेल्प का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे हेल्प का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ा टाइम लग सकता है, यहाँ पे देख सकते हो रेज कंप्लेन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे अच्छी तरीके से दिया गया, डेयर स्पाइस मनी अधिकारी
इफ़ दी अमाउंट हैज़ बीन, आपका जो पैसा जो है कस्टमर का बैंक अकाउंट से पैसा जो कट गया है वॉलेट से, जो अमाउंट आपका जो रिफंडेड नहीं हुआ है, रिफंड कैसे लेना है यहाँ पे रीड मोर पर क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे अच्छे से दिया गया है, 5 दिन के अंदर में आपका जो कस्टमर का बैंक अकाउंट है उनका अकाउंट पे आ जाएगा। तब भी अगर आपने कंप्लेन करना चाहते हो तब भी यहाँ पे रेज कंप्लेन पर क्लिक करके आप यहाँ पे आपका कुछ शब्द लिख सकते हो, यहाँ पे कंप्लेन करके यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। आपका तुरंत यहाँ पे व्यू स्टेटस पर जैसे क्लिक करोगे उनका अपडेट, वो जो कंप्लेन आपने की है उसका अपडेट क्या है, वो कब तक कहाँ तक पहुँचा है, उसका क्या है, पूरा यहाँ पे व्यू स्टेटस पर दिखेगा आपको। तो ये तो समझ गए आपने जो AEPS पर कैसे कंप्लेन किया जाता है। सेम इसी तरह सब में कंप्लेन सेम इसी तरह ही किया जाता है, तो लेकिन सब में इशू कुछ अलग अलग होता है। जैसे देखते हैं BEPS में क्लिक करते हैं, जैसे BEPS में क्लिक करेंगे किस प्रॉब्लम का इशू है, यहाँ पे जैसे अमाउंट डेबिट बट बिल नॉट पेड, ऐसा प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है। क्योंकि जैसे मान लो आपका पैसा वॉलेट से तो काट लिया गया, लेकिन जिस बंदा का बिल है, मान लो वो BEPS कुछ भी जैसे इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करने आया है, तो उनका इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट ही नहीं हुआ है, उसी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे जाकर कंप्लेन करना होता है। यहाँ पे बिल पेमेंट इशू डायरेक्टली कुछ अगर इशू होता है तो यहाँ पे जाकर कंप्लेन करना है। यहाँ पे अनेबल टू फेच बिल, यहाँ पे अगर उसी तरह का कुछ प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे डायरेक्ट कंप्लेन करना होता है। तो इसको बैक करते हैं, ये तो समझ गए होंगे आप, सेम उसी तरह का आपका जितना सारा ट्रांजेक्शन किया है सेम दिखाएगा आपको, और रेस कंप्लेन पर जाकर कंप्लेन करना होता है। तो दूसरा दिखते हैं, जैसे यह DMT ट्रांजेक्शन रिलेटेड, सेम उसी तरह का सेम ही इंटरफेस आपको दिखेगा, सब अलग अलग करके दिया है। जैसे आपका जो भी प्रॉब्लम जैसा आया है सेम उसी तरह का आपको प्रॉब्लम में क्लिक करके आपको ट्रांजेक्शन देखकर आपको वहां पे कंप्लेन करना होता है। तो ज़्यादातर हम लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है मूव टू बैंक का पेंडिंग आ जाता है, क्योंकि बैंक का सर्वर अभी बहुत ही डाउन चल रहा है, आपका बहुत सारा कस्टमर का ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसीलिए अभी ज़्यादातर क्या होता है ना मूव टू बैंक करने का टाइम में अभी पेंडिंग आ जाता है कभी कभी। जैसे अभी यहाँ पे मूव टू बैंक में जैसे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप कैसे आप कंप्लेन कर सकते हो, कौन सा प्रॉब्लम है आपका, आपको वो जानना सबसे पहले जरूरी है। आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या हुआ है, किस रिलेटेड आप कंप्लेन करना चाहते हो। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, मान लो आपका ट्रांजेक्शन पेंडिंग हो गया है मूव टू रिलेटेड, यहाँ पे ट्रांजेक्शन पेंडिंग में आपको क्लिक करके कंप्लेन करना होता है। और यहाँ पे आपका अगर बैंक अकाउंट चेंज नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे बार बार रिजेक्टेड हो रहा है, तो यहाँ पे आके कंप्लेन कर सकते हो। आपका अगर यहाँ पे फेल्ड हो चुका है, अमाउंट रिफंड नहीं मिला है, तो यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे हर तरह का जो भी प्रॉब्लम आपका आता होगा उसका कंप्लेन करने का ऑप्शन यहाँ पे अच्छी तरीके से दिया गया है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आपका होता है तो हमारे पास कमेंट कर सकते हो, आपको उसका जानकारी जल्दी दिया जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लेन सेम उसी तरीके का करना है जो मैंने पहले दिखाया है। जैसे जिसमें भी आप क्लिक करेंगे आपका जो ट्रांजेक्शन रिलेटेड इशू है, जैसे मान लो आपका मूव टू बैंक रिलेटेड इशू है, तो मूव टू बैंक आप जितना सारा किया है यहाँ पे हर तरह का मूव टू बैंक जितना किया है आपका पूरा दिखाएगा। आपका अगर कोई सक्सेस नहीं हुआ, पेंडिंग हो गया, तो उसका बाजू में रेज कंप्लेन का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे जाकर कंप्लेन कर देना है। तो मैं बता दूं यहाँ पे तो आपने समझ लिया होगा जो हाँ मूव टू बैंक का अगर प्रॉब्लम आएगा तो आपको करना क्या है, आप समझ लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे एमपॉस वगैरह का, आप अगर एमपॉस यूज करते हो उसका अगर प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन का यहाँ पे कंप्लेन किया जाता है। उसके बाद में अगर रिचार्ज रिलेटेड इशू जो आता है, रिचार्ज से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आता है आपका, तो रिचार्ज से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आता है आपका, आपका प्रॉब्लम यह आता होगा रिचार्ज हो सक्सेसफुल हो गया आपका वॉलेट से, लेकिन उनको रिचार्ज नहीं मिला, उसका रिचार्ज ही नहीं हुआ, तो उसी तरीके का अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ से आके कंप्लेन कर सकते हो। रिचार्ज सक्सेसफुल बेनिफिट नॉट रिसीव्ड, मतलब कस्टमर को रिचार्ज नहीं मिला है, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे उसका कंप्लेन जितना सारा आपने रिचार्ज किया है यहाँ पे पूरा दिखेगा, आपको यहाँ पे कंप्लेन कर देना होता है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो मैंने रिचार्ज एक भी नहीं किया यहाँ से, इसीलिए नहीं दिख रहा, आप जितना सारा रिचार्ज करेंगे यहाँ पे दिखेगा। मैं बता दूं यहाँ पे रिचार्ज का कमीशन बहुत ही कम है, आप अगर चाहे तो यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास से बहुत ही अच्छा रिचार्ज पोर्टल है जो आप लोगों को वीडियो में दिखे, पे अड्डा का रिचार्ज पोर्टल है, वहाँ से भी हम लोगों का पास से ले सकते हो। जिसका पास स्पाइस मनी का पोर्टल है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल ही मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जो हमारे पास से रिटेलर आईडी लेके रखे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रिचार्ज आईडी मिलेगा, 99.5% रिचार्ज सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पे ये चीज आप समझ गए होंगे जो किसका प्रॉब्लम में कैसे सॉल्यूशन होता है। तो मैं बता दूं यहाँ पे
और कुछ चीज यहाँ पे दिया गया है केयर सर्विस में, मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वॉलेट रिलेटेड, आपको अगर वॉलेट रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आपका आता होगा, जैसे मान लो पैसा आपका यूपीआई द्वारा लोड किया है लेकिन आपका लोड नहीं हुआ है, वो पैसा कट गया है, आपको नहीं मिला हो पैसा, तो यहाँ पे वॉलेट रिलेटेड में जाके आपको कंप्लेन करना होता है। तो मैं बता दूँ आपको, कभी कभी और दूसरा प्रॉब्लम आता होगा, कमीशन आपको नहीं मिलता होगा, कमीशन कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कमीशन आपको नहीं मिला है, तो उसी रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमीशन रिलेटेड में जाके आपको कौन सा कमीशन नहीं मिला है वहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा आपने देखा होगा, इस वीडियो को जो लास्ट तक देखा है उनको पूरा समझ में आ गया होगा, जो आपको अगर स्पाइस मनी में काम करते हुए कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको कैसे कंप्लेन किया जाता है। और मैं बता दूं, इससे रिलेटेड अगर कुछ भी जानकारी लेना है तो हमारे पास डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, हमारा फ़ोन जब भी कॉल करोगे आपको रिसीव किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे रिटेलर का हम लोग सुने हैं और हम लोग बात भी उनसे की है, जो हम लोगों का हम लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर है कभी कॉल नहीं उठाते हैं, कभी फ़ोन करते हैं तो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारा लोगों का साथ में आता है होगा। लेकिन हमारे पास से जितना सारा लोग आईडी लिए हैं, जब भी कॉल करते हैं उनको डायरेक्टली कॉल रिसीव किया जाता है, जो भी प्रॉब्लम होता है उनका प्रॉब्लम सॉल्यूशन किया जाता है, और जो लोग डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज करते हैं मैसेज का रिप्लाई दिया जाता है, जिसका भी प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम अभी तक किसी का अगर प्रॉब्लम है, किसी का तो प्रॉब्लम नहीं है मेरा ख्याल से, किसी का भी प्रॉब्लम कुछ भी प्रॉब्लम रुका नहीं है अभी तक, अगर जिसका भी रुका है तो डायरेक्टली आप मेरे को व्हाट्सएप पर अभी मैसेज कर सकते हो, किसी का तो अभी तक रुका नहीं है। अगर कोई भी दूसरा बंदा हमारे पास से रिटेल आईडी नया लेना चाहते हो तो अभी बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, ओनली फॉर 99 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ में आप स्पाइस मनी का रिटेल आईडी लेके काम शुरू कर सकते हो हमारे पास से, और आपको प्रोडक्ट भी बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। आप अगर मंत्रा डिवाइस लेना चाहते हो तो मंत्रा डिवाइस भी हमारे पास से 1900 रुपये में मिल जाएगा, और आप अगर हमारे पास से मिनी एटीएम लेना चाहते हो तो मिनी एटीएम आपको 2599 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो मैं बता दूँ, वीडियो को यहाँ पे अच्छी तरीके से आप देख लिए होंगे, अच्छी तरीके से अगर वीडियो को लास्ट तक देखा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सबसे पहले आपको अपडेट मिलते रहते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं कोई नए कोई अच्छे वीडियो में।